नॉनस्टॉप 100। आईआईटी दिल्ली के निदेशक के इस्तीफे पर बढ़ा विवाद, मामले में स्मृति ईरानी ने बुलाई बैठक। मानव संसाधन मंत्रालय को अब तक नहीं मिला इस्तीफा, केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा मामला सामने आने पर होगी जांच। नहीं, अभी हमारे मिनिस्ट्री में कोई किसी तरह का इस्तीफा नहीं आया तो मैं कैसे कह दूं दे दिया। नहीं देखिए, जब तक कोई हमारे मिनिस्ट्री में किसी का इस्तीफा आया ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है या किसी ने नहीं देखा तो मैं कैसे कहूँगा। विवाद में सचिन ने ट्वीट कर जताई हैरानी, कहा मेरे नाम पर जमीन मांगने से हुआ ताज्जुब। ट्वीट पर सचिन ने कहा अकादमी बनाने की कोई तैयारी नहीं, किसी मकसद से भी नहीं चाहिए जमीन। दिल्ली आईआईटी के निदेशक आर के रघुनाथ ने दिया इस्तीफा, अभी 2 साल का बाकी है कार्यकाल। No comment at this point of time. फिल्म पीके पर योग गुरु रामदेव ने जताई नाराजगी, बोले हिंदू देवी देवताओं का अपमान शर्मनाक। शनिवार को शंकराचार्य स्वरूपानंद ने भी जताया था विरोध, फिल्म पर लगाया था देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप। आज दिल्ली में भी फिल्म पीके को लेकर प्रदर्शनकारियों ने फाड़ डाले फिल्म के पोस्टर। फिल्म पीके के विरोध में सड़कों पर उतरी वीएचपी, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मुंबई में प्रदर्शन। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म के पोस्टर फाड़े, संसद बोर्ड का पुतला फूंका। इलाहाबाद में भी वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, फिल्म के खिलाफ पुतला फूंका, बाबा रामदेव पहले ही। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल सड़कों पर उतरा, फिल्म पीके के पोस्टर जलाए, नारेबाजी की। झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने रघुवर दास, रांची के बिरसा मुंडा मैदान में राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। जिम्मेदारी सौंपे जाने पर बीजेपी नेतृत्व का किया धन्यवाद, कहा विकास के लिए करूंगा काम। देखिए, चुनौती को मैंने हमेशा एक चुनौती के रूप में लिया और उसे लेते हुए अवसर का रूप देकर अपने लोगों के साथ टीम वर्क बनाकर इस चुनौती का सामना करूंगा। और कोटी से विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने ली कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ, अर्जुन मुंडा के करीबी माने जाते हैं। रांची से बीजेपी के विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह भी बनाए गए कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ, 5वीं बार चुने गए हैं विधायक। एजेएसयू कोटे से चंद्रप्रकाश चौधरी को मिला मंत्री पद, रांची ने ली पद की शपथ, वर्तमान में रामगढ़ से विधायक। लुईस मरांडी को मिला हेमंत सोरेन को हराने का इनाम, बनाई गई कैबिनेट मंत्री, राज्य में बीजेपी के अकेली अल्पसंख्यक चेहरा। कोहरे की वजह से शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी नहीं हो पाए शामिल। वेंकैया नायडू, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, रमन सिंह शपथ ग्रहण में शामिल हुए, हेमंत सोरेन ने भी की शिरकत। 129 साल की हुई कांग्रेस, पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन, सोनिया मनमोहन समेत कई बड़े नेता शामिल। कार्यक्रम में नहीं आए राहुल और कई बड़े नेता, गुलाम नबी आजाद ने कहा देश के दूसरे कई हिस्सों में चल रहे हैं कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कांग्रेस ने अपना समर्थन पीडीपी को दे दिया है। We have already offered our support. We have told PDP leadership should they need our support, and that will be forthcoming. उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा झारखंड में स्थायी सरकार बनी लेकिन जम्मू कश्मीर में अफवाहों का दौर जारी।
दिल्ली में 10 जनवरी को रामलीला मैदान में चुनावी रैली की शुरुआत कर सकते हैं पीएम मोदी। दिल्ली बीजेपी ने किया अनुरोध। रामलीला मैदान में मोदी की रैली की खबरों के बहाने कांग्रेस का निशाना। शारदा चिटफंड घोटाले में परिवहन मंत्री मदन मित्रा को अस्पताल से मिली छुट्टी, सुबह अस्पताल से बाहर निकले। विपक्ष ने मित्रा पर बीमारी के बहाने का लगाया आरोप, फिलहाल 2 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए प्रचार में जुटी बीजेपी पार्टी ने अलग से बनाई 10 लोगों की टीम। सैफई महोत्सव में आईपीएल की तर्ज पर इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग, बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी में हुआ आगाज। स्तर पे अगर हम लोग फैल सकें तो प्रदेश स्तर की भी टीमें बुला करके यहां पर बड़े पैमाने पर आयोजन करने का काम करेंगे, तो ये आज शुरुआत है पहली। नोएडा एक्सटेंशन में किसानों का प्रदर्शन, गई बिल्डर्स के दफ्तर पर की तालाबंदी। किसानों पुलिस के बीच धक्का मुक्की, आरोपी इंजीनियर यादव सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी। गाजियाबाद के मॉल में एक लड़की से बलात्कार की वारदात, मॉल के कर्मचारी पर आरोप। कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ पिलाकर फिल्म दिखाने ले गया था पीड़ित को लड़का, घर वालों की शिकायत के बाद गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस के सामने पीड़ित से संबंध होने की बात कबूली, लेकिन बलात्कार से किया इनकार। गया के बायरा चट्टी में नक्सलियों ने मोबाइल टावर उड़ाया, दर्जन भर हथियार बंद नक्सलियों की वारदात। अपने शीर्ष नेता की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया, बिहार झारखंड बंद का भी किया ऐलान। सेना के मोर्चा संभालने के बाद असम के सोनकपुर में हालात सुधरे, चाय बागानों में दिखने लगी है फिर से रौनक। बागानों में काम पर लौटने लगे मजदूर, लोगों में जागी शांति की उम्मीद। विशाखापट्टनम में लोहे की फैक्ट्री में धमाका, हादसे में एक की मौत, 12 जख्मी। तमिलनाडु में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ट्रांसपोर्ट कर्मचारी, वेतन में सुधार, नौकरी स्थायी करने की मांग। करीब 1,20,000 कर्मचारियों की हड़ताल से बढ़ा संकट, चेन्नई समेत कई शहरों में असर। राजधानी दिल्ली में ठंड का टूटा रिकॉर्ड, पिछले 5 साल में आज सबसे ठंडा दिन, 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान। कड़ाके की ठंड की वजह से दिल्ली में 2 की मौत, जीटीपी अस्पताल के पास दोनों लोगों की जान गई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 2 दिनों पर ठंड का संकट, बढ़ सकता है और भी कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर से मिल सकती है राहत, तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है यहाँ पर अभी फिलहाल, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी करीब 100 मीटर, अभी भी गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर लोग सफर कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में भी कोहरे से परेशानी, नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ी मुसीबत। कोहरे का ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं रास्ता भूल गया, मुझे एग्जाम देने जाना था मंगलमय में, अच्छा मेरा आज एग्जाम था तो अब रास्ता भूल गया, डिले हो रहा है। श्रीनगर में -4 पर पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड की वजह से डल झील भी जमने लगी। उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी, ठंड से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। सबसे ज्यादा ठंड का कहर, 15 दिसंबर से अब तक 80 लोगों की हो चुकी है मौत। पहाड़ों पर जारी सर्दी का सितम, उत्तराखंड में 20 से ज्यादा की हुई मौत। पंजाब पश्चिम बंगाल में भी कड़ाके की सर्दी, दोनों राज्यों में 3-3 लोगों की मौत। 29 तारीख से यानी कि सोमवार से विंड पैटर्न बदल जाएगा, कोहरा जो फॉग है 29 और 30 तारीख को बढ़ सकता है।
मेलबर्न टेस्ट का तीसरा दिन खत्म। टीम इंडिया ने बनाए 462 रन, पहली पारी में गिरे 8 विकेट। विराट कोहली ने शानदार 169 रन बनाए, जॉनसन ने झटका उनका विकेट। अजिंक्य रहाणे ने भी जड़ा शतक, 147 पर लियोन का हुए शिकार। कप्तान धोनी फ्लॉप, महज 11 रन बनाकर आउट, अश्विन बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। मुरली विजय 68 रन बनाकर हुए आउट, 25 पर लौटे पुजारा। केएल राहुल महज 3 रन बनाए। एयर एशिया का विमान लापता, सुबह 7:24 से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं। खराब मौसम से बचने के लिए ऊंचाई पर उड़ान भरने के थे निर्देश, 7 क्रू मेंबर समेत 162 यात्री प्लेन में सवार। लापता विमान की तलाश तेज, सिंगापुर मलेशिया अभी खोज अभियान में जुटे।